2008 से जी जी इस कम्युनिटी पुलिस का गठन हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो ये पुलिस और जो पहले से पुलिस थी, दोनों में अंतर क्या है? जब से मेला हम देखते आए हैं, पहले से तो जो पहले वाली पुलिस थी ही, और उसके बाद ये लोग की नई पुलिस जो इसमें है कम्युनिटी पुलिस, इन लोग के आने से 2008 से हम लोग का बहुत अच्छा रहा। कहीं कुछ खराबी या मेले में गलत कोई माहौल या दंगा फसाद या कोई तरह की बात या चोरी बदमाशी या किसी भी तरह के छेड़खानी वगैरह, ये सब कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। और ये लोग के हमेशा मदद मिलता है और बहुत सराहनीय इन लोग को कहा जाए। तो ये क्या, ये पुलिस को और मजबूत किया जाना चाहिए, इन लोगों को फ्यूचर जो है ना, जितना सरकार से बन पाए उतना इन लोग के प्रति मदद की जाए और इन लोग के आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए सरकार को और हम सभी लोगों को। पहला इसका उपलब्धि है कि 2008 और मेला के अब तक 3 साल मेला में क्राइम का इतिहास बिल्कुल जीरो पर आ गया। सरकारी स्तर पे 8 थाना खुलते हैं और 8 से अभी तक कोई FIR नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अपना तन मन धन लगाकर लड़का अपना सेवा कर रहा है और इतना व्यवस्थित मैंने है लोग टीम कि अपने आप में एक पहचान बनाया है। पहचान बनाने की ये बताया कि पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने भी महसूस किया कि पूरे बिहार में कम्युनिटी पुलिस बनाया जाएगा। क्या ऐसे कम्युनिटी पुलिस की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? इन लोग के रहने से एक तो छोटी सी उदाहरण है मेला की कि कहीं कोई आप लोग को कभी मिला ही नहीं होगा चोरी, मैंने किसी भी तरह की या किसी परिवार के साथ कोई छेड़खानी वगैरह वगैरह या कहीं कोई लूटपाट किसी तरह की शिकायत नहीं मिली होगी। माने उन लोग को आने से पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ के सारे लोग आते जाते हैं। हम लोग तो यहीं ग्रामीण हैं, किसी से शिकायत की मौका नहीं मिला। क्या जनता लोगों के साथ जुड़ पाई है? बिल्कुल जनता जुड़ी हुई है, जनता के बिल्कुल ही लोग नज़र में हैं। हम भी सरकार से ही गुजारिश करेंगे इन कम्युनिटी पुलिस को वेटेज या इन्हें और प्राथमिकताएं अन्य जगहों पर दी जाए। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए, बिहार से।